नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आजमगढ़ जनपद की अरौला पुलिस द्वारा मुठभेड़ के दौरान 50,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार करने का दावा किया है। मुठभेड़ के दौरान बदमाश के दोनों पैर में गोली लगी है। उपचार के लिए उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उसके पास से एक तमंचा, दो खोखा कारतूस व दो जिंदा कारतूस और 600 रुपए नगद बरामद किए गए हैं। 6 फरवरी को संजय पुत्र स्वर्गीय ओम प्रकाश ग्राम खजूरी धनेश पट्टी थाना अरौला द्वारा थाने में लिखित तहरीर दी गई कि अभियुक्त सलमान पुत्र फिरोज, तालीब पुत्र फिरोज समस्त निवासी पीठापुर थाना अरौला द्वारा उसकी माता व दादी के नाम की जमीन को जबरदस्ती धोखे से लिखवाकर मकान बना लिए हैं। जब मेरे द्वारा अपनी जमीन के लिए पूछताछ की गई, गाली गलौज व जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए जान से मारने की धमकी दी गई। पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी, जिसकी विवेचना क्षेत्र अधिकारी बुढ़नपुर द्वारा की जा रही है। पुलिस महानिरीक्षक आजमगढ़ परिक्षेत्र आजमगढ़ अखिलेश कुमार द्वारा उसके गिरफ्तारी हेतु परिक्षेत्र स्तर पर 50,000 रुपए का नगद पुरस्कार घोषित किया गया था। थाना अध्यक्ष अरौला सुनील कुमार दुबे को मुखबिर से सूचना मिली कि उपरोक्त मुकदमे का अभियुक्त शाहपुर से बरेपुर पुलिया होते हुए गौरीपुर पुलिया की तरफ आ रहा है, जिसके पास असलाह कारतूस है। थाना अध्यक्ष अरौला स्वाट व सर्विलांस में टीम द्वारा बरेपुर पुलिया चेकिंग प्रारंभ कर दी गई। कुछ समय बाद एक व्यक्ति आता दिखाई दिया, जिसे रोकने का प्रयास किया गया। अपने आप को घिरता देखकर पुलिस बल को लक्ष्य बनाकर जान से मारने की नीयत से फायरिंग करने लगा। पुलिस द्वारा की गई जवाबी कार्रवाई में अभियुक्त के दोनों पैर में गोली लगी, जिसे समय करीब 23:50 पर हिरासत में लिया गया व उपचार हेतु CSC अरौला ले जाया गया। घायल बदमाश की पहचान हिस्ट्री सीटर नंबर 49A व D218 गैंग के लीडर सलमान पुत्र फिरोज के रूप में हुई है। कल रात्रि में थाना फूलपुर की पुलिस द्वारा एक कुख्यात लुटेरे, हिस्ट्री सीटर एवं अंतरजनपदीय बदमाश को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया है। इसका नाम है रमेश नोना, ये अम्बेडकर नगर का रहने वाला है। इसके साथ एक व्यक्ति दिवाकर को भी पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना कुछ इस प्रकार है, 7 मई 2024 को वादी द्वारा आकर तहरीर दी गई कि इसके द्वारा 3 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा मोटरसाइकिल पर होते हुए इससे मोबाइल की छिनैती कर ली गई थी और छीन कर ले गए थे, जिस पर थाना फूलपुर पर मुकदमा दर्ज किया गया था। दौरान विवेचना 3 व्यक्तियों का नाम प्रकाश में आया, जिनके नाम रमेश नोना है, जो कुख्यात हिस्ट्री शीटर भी है और लुटेरा है, जिसके ऊपर लगभग 16 मुकदमे पहले से दर्ज हैं। इसके साथ ही दिवाकर और राहुल नोना, जो आजमगढ़ के रहने वाले हैं, तीनों का नाम प्रकाश में आया विवेचना में। कल रात्रि में मुखबिरों से सूचना प्राप्त हुई कि ये व्यक्ति थाना क्षेत्र में मौजूद है और अन्य किसी घटना कारित करने की फिराक में है। इस सूचना पर नियमानुसार पुलिस मौके पर पहुंची, घेराबंदी किया गया। पुलिस को देखते हुए ये लोग भागने लगे और फायरिंग खोल दिए पुलिस के ऊपर, जिसमें आत्मरक्षा पुलिस ने इन पर जवाबी फायरिंग की, जिसमें रमेश नोना के पैर पर गोली लगी है। इसके साथ ही दिवाकर को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों को मान्य न्यायालय से रिमांड प्राप्त कर जेल भेजा जा रहा है, तथा तीसरे व्यक्ति जो राहुल नोना है, उसकी गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर दी गई है। तत्काल उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।